हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन, कल मैंने आपको कार्ड्स का कंसेप्ट समझाया था। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 46 तक आपके कार्ड्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, द किंग जैक एंड द टेन ऑफ स्पेड आर लॉस्ट फ्रॉम द 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड हमारे 52 है, 52 कार्ड्स में से तीन कार्ड हो गए, तो टोटल कार्ड कितने रह गए? 52 - 3 = 41, क्योंकि एक किंग हो गया, एक स्पेड हो गया और एक और हो गया जैक हो गया। 10 नंबर का स्पेड का कार्ड, किंग जैक और 10 नंबर का स्पेड का कार्ड हो गया, तो टोटल 52 में से तीन हो गए, तो कितने रह गए? 49। 52 एंड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब बाकी जो 49 कार्ड्स हैं उसमें रिमेनिंग कार्ड में से कार्ड निकालने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने हमारे? 49। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 26/49। सेकंड पार्ट में कह रहा है ब्लैक जैक। ब्लैक जैक दो होते हैं, एक स्पेड का होता है, एक किसका होता है? क्लब का होता है। स्पेड का जैक हो चुका, तो बचा किसका? क्लब का बचा। पॉसिबल आउटकम से कौन टोटल आउटकम कितना है? 1/49। थर्ड पार्ट में कह रहा है रेड किंग दो होते हैं, टोटल कितने हैं? 49। तो कितना आएगा? 2/49। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं टेन ऑफ हर्ट। कितने होते हैं हर्ट का? 10 नंबर का कार्ड 1/1 कितना आ गया? 49। आंसर कितना आ गया? 1/49। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में तीन कार्ड हो गए, स्पेड का क्लब को, स्पेड का हर्ट को, स्पेड का किंग जैक और 10 नंबर का कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने रहेंगे? 49। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो आंसर कितना है? 26/49। नेक्स्ट है आपका ब्लैक जैक। ब्लैक जैक होते हैं दो, लेकिन एक जैक स्पीड का खो चुका, क्लब करेंगे तो कितना है? 1/49। रेड किंग कितने होते हैं? टोटल दो, कितना है? 2/49। और टेन ऑफ हर्ट, हर्ट का 10 नंबर का एक कार्ड कितना होगा? 1/1 कितना आ गया? 49। आपको क्वेश्चन में 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, ऑल रेड फेस कार्ड रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। रेड फेस कार्ड जो थे वो 6 होते हैं, तो टोटल कार्ड कितने रह गए हमारे 42 में? टोटल कार्ड हो गए आपके 52 में से 6 कार्ड हटा दो, कितने बचेंगे? 46 बचेंगे। 52 में से 6 गए तो 46 बचे। देन रिमेनिंग कार्ड आर वेल शेवर्ड फ्रॉम अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार्ड ड्रॉन इन द रेड कार्ड। अब रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, लेकिन 26 में से 6 फेस कार्ड तुमने निकाल दी और फेस कार्ड रेड कलर के निकाले थे, इसलिए अंदर रेड कार्ड कितने रहेंगे? 20/46 कितना आ गया? 10/23। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ये फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, लेकिन 12 फेस कार्ड में से 6 रेड फेस कार्ड हमने बाहर निकाल दिए, तो अंदर रेड फेस कार्ड कितने बचे? 6 कौन से? ब्लैक कलर के 6/46, तो कितना आ गया? 3/23। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कार्ड ऑफ क्लब। क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 13/46। 42 का आंसर, 42 में 10/23, 3/23 और 6/23। ठीक है, क्योंकि क्लब जो हो गया, क्लब कितने हो गए आपके? कार्ड ऑफ क्लब 42 का लास्ट पार्ट तो उसमें गलत दे रखा है। कार्ड ऑफ क्लब, क्लब का आंसर आया है इसमें, क्लब आएगा इसमें टोटल 13/46। पीछे इसका आंसर इसने गलत दे रखा है, 6/23 दे रखा है, क्योंकि क्लब जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं, ऑल किंग क्वीन एंड एसेज आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, एस 4 होते हैं, लेकिन एस आपके फेस कार्ड में नहीं आते, तो 52 में से 12 माइनस कर दिए तो 40 आ गए टोटल फेस का, टोटल कार्ड का, क्योंकि 12 कार्ड निकाल दिए, किंग निकाल दी, क्वीन निकाल दी और क्या निकाल दी? एस निकाल दिया। अभी कह रहे थे रिमेनिंग कार्ड और वेल शफर्ड, बाकी जो 40 कार्ड है उनको वेल शफर्ड किया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार्ड ड्रॉन इन द ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक फेस कार्ड 6 होते हैं, लेकिन 6 में से किंग भी बाहर आ गए, 2 क्वीन भी बाहर आ गए, अब बचे अंदर के बस ब्लैक फेस कार्ड 2 बचे, कौन से? जैक। कितना आएगा? 2/40 कितना आएगा? 1/20। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं
रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। 26 में से दो किंग बाहर आ गए, दो क्वीन बाहर आई और दो एस बाहर आ गए, तो जो रेड कार्ड बचे अंदर कितने बचे? 40 बचे। तो 20/40 कितना आएगा? 1/2। ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 43, 1/20 और 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कह रहा है एक कार्ड इज यूनाइटेड एम फॉर अ वेल शेपर्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब देखो टोटल कार्ड्स हमारे यहां पे कितने हैं? 52 हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें रेड कार्ड और अ क्वीन, इधर रेड कार्ड, इधर रेड कार्ड और क्वीन। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं और क्वीन कितनी होती है? 4। लेकिन 4 नहीं प्लस करूंगा, 2 प्लस करूंगा, क्योंकि जो रेड कलर की क्वीन है वो ऑलरेडी 26 में आ चुकी, तो 26 प्लस कितना आएगा? 2। तो कितना आ गया? 20। समझ रहे हो बात को? टोटल रेड कार्ड जो होते हैं 26 होते हैं और क्वीन जो होती है वो 4 होती है, लेकिन 4 क्वीन में 2 क्वीन आपकी रेड होती है और 2 क्वीन कैसी होती है? ब्लैक। तो जो जो रेड कलर की क्वीन है वो 26 में ऑलरेडी आ चुकी, तो केवल आप इसमें ब्लैक कलर की क्वीन लोगे, तो इधर रेड कार्ड और क्वीन कितनी होगी? 28। नीदर रेड कार्ड, नीदर रेड कार्ड नोर क्वीन, तो क्या करेंगे? 52 में से 28 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 24 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 24 अपॉन कितना आएगा? 52। 24 अपॉन 52 तो कितना किससे कट होगा? 4 6 से 12 और ये 13, तो कितना आ गया? 6 अपॉन 13। 44 का आंसर सही होगा। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, रेड कार्ड 26 होते हैं, क्वीन 4 होती है, लेकिन 4 में 2 जोड़ेंगे ब्लैक कलर की, 28। नीदर नोड के लिए क्या करते हैं? टोटल में से माइनस करते हैं, 24 आया, 24 अपॉन 52 कितना आ गया? 6 अपॉन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है 5 कार्ड्स, इसमें टोटल कार्ड 5 दे रखे हैं मैंने, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ये जो एक डायमंड का 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। 10 जैक क्वीन किंग एस, 1 2 3 4 5। आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन। क्वीन कितनी है इसमें? 1 है और टोटल कार्ड कितने हैं? 5। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 है फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वीन क्वीन कितनी है हमारे पास? 1 है इसके अंदर, टोटल 5 है, आंसर कितना आ गया? 1/5। सही। इसके बाद कह रहा है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड एज अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, क्वीन हटाई और क्वीन उठा के बाहर रख दी। अब टोटल कार्ड जो 5 से, 5 में से भी कितने रह गए? 4 रह गए। अब बीक में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस, एस कितने है उसमें? 1 है, तो बी का जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसमें कितना आएगा प्रोबेबिलिटी एस की? कितने आएगी? 1/4, क्योंकि अंदर 4 कार्ड है अब और 4 में से एस 1 है और सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वीन, अब क्वीन है ही नहीं अंदर, क्योंकि क्वीन हमने उठाई फिर उठा के बाहर निकाल दी थी, तो क्वीन अंदर है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी उसकी? 0/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0/4, दैट इज 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 45। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, ए कार्ड ऑफ एट रैंडम ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफर्ड प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस, कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एस। टोटल जो स्पेड होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं और एस कितने होते हैं? 4। लेकिन जो स्पेड हमारे पास 13 है, उन 13 स्पेड में एक स्पेड ऑलरेडी आ चुका, जो 13 स्पेड है उन 13 स्पेड में एक एस ऑलरेडी आ चुका, तो जो फर्स्ट पार्ट में स्पेड और एस आएंगे, स्पेड और एस, वो आएंगे 13 + 3 कितने आएंगे? 16। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 16/52, 4 × 16 और 13, 4/13। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं रेड किंग, रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2/1 कितना है? 52। आंसर कितना आएगा? 1/26। थर्ड पार्ट में कह रहा है इधर है किंग और क्वीन, किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं और क्वीन कितनी होती है? 4। तो इधर किंग और क्वीन, इधर किंग और क्वीन, 4 + 4 कितना होगा? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 8/52, 8/52 कितना आ गया? 2/13। फोर्थ पार्ट में कह रहा है नीदर किंग नोर क्वीन,
टोटल 52 कार्ड्स में से नीदर किंग नोर क्वीन, 52 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 44। तो प्रोबेबिलिटी कितनी की 44 अपॉन 52 कितना होगा 12 अपॉन 13। स्पेड और एस, स्पेड होते हैं आपके 13 और एस होते हैं 4, लेकिन उन 13 स्पेड में एक एस एस ऑलरेडी आ चुका तो हम 3 एस लेंगे, तो 13 प्लस 3 16 16 अपॉन 52। रेड कार्ड रैंक एंड किंग कितने होते हैं 22 अपॉन 52। इधर किंग और क्वीन 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 और नीदर किंग नोर क्वीन कितना आएगा 44। ठीक है, ये आपके कार्ड्स वाले क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हम जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल कितने केस बनते हैं 36 केस बनते हैं। जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 36, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। यह आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। देन आएगा आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। देन आएगा आपका 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। मिलाएगा आपका 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6। मिलाएगा आपका 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6। तो जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं 36 आते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 है, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑब्टेन हैविंग इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट में। अब देखो इवन सम क्या है, मतलब दो नंबर को ऐड करने में सम इवन आना चाहिए। जैसे 1 प्लस 1 कितना है 2 आ गया, 1 प्लस 3 कितना है 4, 1 प्लस 5 कितना है 6, इनका सम कितना रहा इवन आ रहा है। देन 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8। देन नेक्स्ट आएगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 5 8। तो टोटल मिला के 3 केस इसमें आ रहे हैं, 3 इसमें आ रहे हैं, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, 3 3 केस आ रहे हैं। तो लास्ट केस आएगा आपका 6.6। आप केसेस लिख सकते हो, टोटल 18 केस आएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 18 अपॉन 36। आंसर कितना है 1 अपॉन, चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन में 32 का फर्स्ट पार्ट सही है, दैट इज 17 अपॉन 36। 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, पीछे गलत दे रखा। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है इवन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए इवन आना चाहिए। जैसे 1 1 1 कैसा है आपका ऑड है, लेकिन 1 2 जा क्या है 2 इवन, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 और 1 6 जा 6। पहले वाली लाइन में से कितने केस आए 3 है, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, सारे केसेज आएंगे 2.1 से लेके 2.6 तक सारे। तो इसमें 3 आए इसमें 6 आएंगे, फिर इसमें 3 आएंगे इसमें 6 आएंगे, इसमें 3 आएंगे इसमें 6 आएंगे, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27। तो जो टोटल केस जिनकी प्रोडक्ट क्या आएगी इवन नंबर, ऐसे 27 केस आएंगे, टोटल 36 है। तो आंसर आएगा 9 3 27, 9 4 36, 3 अपॉन 4। ठीक है, इसका सही दे। फर्स्ट पार्ट में निकालना था इवन सम, तो वो केसेज आएंगे थे जिनका सम इवन था, ऐसे 18 केस आए 18 अपॉन 36, 1 अपॉन 2। उसके बाद ऐसे केस आएंगे थे जिनका प्रोडक्ट कैसा आना था इवन, तो ऐसे 27 केस आए, 27 अपॉन 36 कितना आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में कौन सा था 32, 33 बी सी पे बेस्ड है। ये आपको क्वेश्चन में कौन सा हो गया 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33 नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू। क्लियर, थैंक यू।